मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पर बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर और मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो मादक दवा मेफेड्रोन जब्त की है। मामले में एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक एस के सिंह ने बताया कि एमडी ड्रग मुंबई के एक गोदाम और जामनगर से जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर गोदाम पर छापा मारा गया है। एनसीबी ने सब मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के डीडीजी सिंह ने बताया कि आरंभ में जामनगर की नौसेना खुफिया इकाई ने एमडी ड्रग्स की खरीद फरोख्त किए जाने की जानकारी दी थी। सूचना पर एनसीबी और नेवल इंटेलिजेंस यूनिट ने साझा रूप से काम किया है। सूचना पर जामनगर से 10.350 किलोग्राम एमडी ड्रग्स को जब्त किया गया।